Ambil siapa dulu? Nina? Ye kya baat hai? Tumhe sadme ne kuni ke saath akele kaise mein jaane ko taiyar ho gayi? Wo sadme kuni nahi hai ke? तो अब तुम्हें उसमें ज्यादा अच्छाइयां नजर आने लगी। मैं देख रहा हूँ नीना, तुम उससे ज्यादा करीब होती जा रही हो। जान सकता हूँ तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हारा मतलब क्या है प्रेम? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो नीना। मैं बस ये जान लेना चाहता हूँ ये सब कब से चल रहा है। ऐसी बातें अपने मुंह से निकाल के तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रेम। अच्छा, मुझे सच बोलते हुए शर्म आनी चाहिए और तुम बेशर्मी से झूठ बोलती हो। क्या झूठ बोला है मैंने? यही कि तुम रवि वर्मा को पहले से नहीं जानती। उसे छुप छुप कर उससे मिलने रोज नहीं जाती थी। मैं पिछले एक महीने से शहर नहीं गई थी। अच्छा, एक महीने से शहर नहीं गई, तो फिर ये यहाँ से शहर और शहर से यहाँ के दो टिकट तुम्हारे दस्ताने में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कल तुम बाजार ही नहीं बल्कि शहर ही गई थी। तुम समझते क्यों नहीं हो प्रेम? अच्छा, तो फिर क्या ये झूठ है? बोलो, झूठ है ये? लेकिन कल तुम भी तो शहर गए थे, तो क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? क्या? हाँ हाँ बोलो। मैं शहर? जी हाँ, और इस बात का सबूत है ये बात। ये तुम्हें कहाँ से मिला नीना? तुम्हारे ओवरकोट की जेब से प्रेम। लेकिन अखबार तो कोई भी मेरी जेब में डाल सकता है नीना। तुम अच्छा, तो तुम कल शहर नहीं गए थे? नीना, मैं गया था लेकिन किसी लड़की से मिलने नहीं गया था। ओ, तो तुम कल किसी लड़की से मिलने शहर नहीं गए थे? नीना, तुम मुझको शक कर रही हो? क्यों? तो क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? नीना, देखो ऐसा है। खबरदार, तुम मुझे छूने की कोशिश भी की और मेरे करीब भी आए। नीना, ये क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो नहीं लगता कि तुम वो नीना हो जिसे जिसे मैं जानता था। और तुम उस नीना को कभी जान भी नहीं सकते प्रेम। और तुम जानोगे भी कैसे? आखिर हमारी शादी हुए अर्सा ही कितना बीता है? सिर्फ एक साल। इस एक साल में मैं किन किन हालातों से गुजरी हूँ ये तुम कभी भी नहीं जान सकते। कभी भी नहीं जान सकते। नीना, ये क्या पागलों की तरह सोच रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हूँ। अगर नहीं हूँ तो जरूर हो जाऊंगी। तो पार्टी की चाय आओ से। नीना, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ पहले सुनो। मैं कहती हूँ चाय आओ से। नीना, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। जाओ। ठीक है नीना, मैं चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले ये भी सुन लो कि तुम मेरी स्कीज गायब हो गई। क्या आपने तो नहीं रखी है? जी नहीं। तो देखिए, पहले किसी ने टेलीफोन के तार काट डाले और अब मेरी स्कीज गायब कर दी। टेलीफोन के तार काट डाले? इंस्पेक्टर, क्या आपको यकीन है? ऑफ कोर्स मिसेस प्रकाश, मैं मुआयना कर चुका हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी स्कीज गायब करने में भला किसी का क्या मकसद हो सकता? वेग साहब, मेरी स्कीज गायब करने के पीछे किसी के भी दो मकसद हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर के मदद हासिल ना कर सकूं, और दूसरा वो खतरनाक मुजरिम यहाँ से आसानी से फरार हो। मेरे ख्याल से उसे स्कीज का बड़ा शौक है। मकसद साहब, मुझे तो लगता है कि ये कारनामा भी पुलिस साहब जाने का है। मतलब कि रवि को स्कीज का बड़ा शौक है? मेरी स्कीज अचानक गायब हो गई है, क्या आपने तो नहीं रखी कहीं उठाकर? जी नहीं, भला मुझे क्या करना? देखिए साहब, ये मामला बहुत उलझता जा रहा है। पुलिस स्टेशन कॉन्टेक्ट करने का एक ही जरिया था और उसको भी जानबूझ कर अलग कर दिया। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है आप लोगों में से वो कौन है जिसने मेरी स्कीज गायब की। मेजर साहब, मेरी स्कीज अचानक गायब हो गई है, आपने तो नहीं रखी गई? नो, साहब, ये मामला बहुत उलझता जा रहा है। हम सब लोग यहाँ एक जबरदस्त खतरे में पड़े हुए और हर लम्बे खतरा पड़ता जा रहा है।
जो कोई भी है वो कान खोल करके सुन ले, मैं उसको पकड़ करके इतना दूंगा। और हाँ, आप सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर होशियार रहेगा, वरना यहाँ पर एक फूल और उतर रहेगा। एक फूल और? क्या कोई जरूरी है? क्यों नहीं मिसेस प्रकाश, इन चूहों में से अभी से दो ही उसके हाथ में, दूसरा तो अभी बाकी। और हाँ, मुझे तो विश्वास है आप जो पांच लोग यहां पर खड़े हुए हैं उनमें से एक खूनी और दूसरा उसका होने वाला शिकार। और यहां कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। विवेक जी फरमाइए, मुझे आपसे एक दो सवालों के जवाब चाहिए। जी, आप इतनी बर्फबारी में जा कहां रहे हैं? अपने दोस्त के पास। दोस्त के पास? जी, तो नजदीकी बस उनका, करीब नहीं, उनका मकान। उनका नाम? उनके नाम से आपको क्या लेने देने इंस्पेक्टर साहब, कभी साथ चलिएगा, आपसे ताल्लुक करवा देंगे। दूसरे लफ्जों में आप उनका नाम नहीं बताना है। है छोड़िए, आप आ कहाँ से रहे थे? शहर से। वहाँ का एड्रेस? वो बंदा होटल शालीमार में ठहरा था एक रोज के। और आपका परमानेंट एड्रेस? कोई नकली कहीं घूमना फिरना ऐश करना, बस यही तो मेरी जिंदगी है। ऐश कर लो दुनिया के साथ जिंदगी, अगर जिंदगी मिल भी जाए तो ये मैं फिर कहा। इतनी उम्र में और इतना घूमना फिरना, हो सकता है सबके साथ हमारी उतनी उम्र ना हो जितनी आपको दिखाई पड़ रही है। ये बात काबिले गौर है। भाई वाह इंस्पेक्टर, आप बड़े जिंदा दिल इंसान है, मजा आ गया आपकी कहानी सुनकर। एक साहब, यहाँ पर किसी की जान पर बनी हुई है और आपको मजा आ रहा है, आप इस सबको एक तमाशा समझ रहे हैं। इस नजीज को जासूसी कहानी पढ़ने का बेहद शौक है इंस्पेक्टर। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब असली कातिल कौन है? आप। गुनहगारों में शामिल हूँ गुनाहों का पता नहीं, तुम किए जाते हैं खुदा जाने मेरी सब क्या है। इंस्पेक्टर साहब, राज न खोलिए वरना कहानी का मजा जाता रहेगा। साहब, यहाँ पर किसी तीसरे आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आपको मजाक सूझ रहा है। देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात कहना है। यहाँ पर आइए। मिसेस दास का कत्ल का पता लगाने का एक ही तरीका बचा है। मिसेस दास के कत्ल के वक्त आप सब लोग कहां थे, यानी कि आपकी पोजीशन क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबको एक बार फिर से वही सब कुछ करना होगा जो आप मिसेस दास के कत्ल के वक्त कर रहे। यू मीन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम? करना पड़ेगा जो पिछली वर्ष में मिलेगा। मेजर साहब, आप मेरा गलत मकसद समझे। मेरा मकसद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम से नहीं था, मैं तो केवल आप लोगों के मूवमेंट रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहता था। लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा ये बताना इस समय से नहीं मेरे साहब। आप ये जानते हैं कि हम सभी सभी को फिर से वैसा ही करें जैसा कि हमने पहले किया था। जी हाँ, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कई बार होता है। आई नो भाई, गैर मुल्की जासूसी कहानियों में तो हमने भी ऐसा पढ़ा है भाई। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार फिर से वही सब कुछ करेंगे जो आप सब लोग पहले कर रहे थे। मतलब कि हमें फिर से वही सब कुछ दोहराना होगा जो हम पहले कर रहे थे? जी हाँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ दोबारा करवाकर आपको सुलह कर सकता है। और मुझे भी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने और कुछ काम कर लूँ। ये सब तो आप मेरे बिना भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता। और वैसे भी आप तो पूरी नहीं है, फिर आप इतने छोटे से इंसान से क्यों घबराते हैं? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कोई नहीं घबराता, हम सब वैसा ही करेंगे जैसा कि आप चाहें। मुझे क्या इतराज हो सकता है? ठीक है इंस्पेक्टर, बताइए एक्चुअली हमें अब करना क्या है? मिसेस प्रकाश, आप कैसे बजाना जानती हैं? जी हाँ। और आपको वो धुन बजानी भी आती है जो सुबह उस समय बजा रहे थे? मैं ही क्यों, सभी को आती होगी। आज क्या पसंद है हमको पिछले अपने कमरे में बैठ के
हौले हौले कैसू बजाना पड़ेगा। चलिए वेद साहब, पहले पूरी स्कीम ध्यान से सुन लीजिए। आप सब लोगों को काम तो वही करते हैं लेकिन उसको दोहराने वाले बदल जाएंगे। इससे फायदा? दूसरे आदमी के बयान से ये पता लग जाएगा कि पहले आदमी का बयान किस हद तक सही था और कम से कम एक आदमी का बयान सच और झूठ बाहर आ तो नई स्कीम के मुताबिक आप याद बैठिए। आप रसोई में चलते साहब, आप इस प्रकाश के कमरे में जाकर के टेलीफोन का एक्सटेंशन चेक करिए। एक साहब जी फरमाइए। आप पीछे की सीढ़ियों से मिस्टर रवि वर्मा के कमरे में चले जाइए। क्या था आपको हुक्म? अब बचा मेरा था। मिस्टर प्रकाश, उसको आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आप ही यहां के रहने वाले हैं और यहाँ सर्दी भी बहुत है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर बताइए, एक्चुअली करना क्या है मुझे? आप इस रस्ते से बाहर निकल करके और जिस तरह से मैं टेलीफोन का लाइन चेक करने गया था, आप लाइन चेक करते हुए फटक तक चले। इंस्पेक्टर साहब आप क्या करेंगे? मैं या मिसेस दास की जगह? आप मिसेस दास की जगह बैठेंगे? अरे भाई ये खतरा आप क्यों मोल ले रहे हैं? हमारा रोजमर्रा का काम है मेजर साहब, ड्यूटी इज ड्यूटी। तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंचे और जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा उसको मिसेस प्रकाश को ठीक समझ करके दौड़ दौड़ करके यहाँ पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। जी ठीक है। अरे वाह बड़ा आंख में चौड़ी का मजा आ रहा है। मैं ये ओवरकोट पहन सकता हूँ? हाँ हाँ ले लीजिए, बाहर बहुत ठंड है। उसके बाद में आप ढोल बजानी शुरू कर दीजिएगा। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपने मुझसे कुछ बातें छुपा करके बहुत बड़ी बेवकूफी। मैंने कुछ बातें छुपा कर? मैं कुछ समझी नहीं इंस्पेक्टर। आप ये पहले से ही जानती थी ना कि मिसेस दास ही वो वेलफेयर ऑफिसर थी जिन्होंने उन बच्चों को शंकर सिंह के सुपुर्द किया था, और वही क्यों? शिवपुर की रहने वाली हो मैं? और तुम क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब कुछ? क्योंकि मैं उन सब बातों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी। आखिर क्यों? क्योंकि क्योंकि उन बच्चों पर जो जुल्म हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद। हर मुसीबत सदा बच्चों ने किसी तरह से अपनी मेहरबान टीचर के पास भिजवाया और अपनी मुसीबतों का वास्ता देकर अपनी मेहरबान टीचर से मदद की गुहार की, लेकिन तुमने उनकी कोई मदद नहीं। अरे करती भी क्यों? नजर में तो वो सिर्फ तीन यतीम छूटे थे। नहीं, शादी से पहले मीना सिंह था ना, और शिवपुर के पूरे
शोर का पड़ा। यहाँ आने से पहले मैंने ही तुमको फोन किया था और आने से पहले टेलीफोन के साथ काट दिए। तुमने भी कोई पुलिस स्टेशन जाकर मदद हासिल ना कर का बदला देने से पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, जब मेरा छोटा भाई तड़प तड़प कर मर रहा था तो सब वो चूहों की मौत पर देखा तो मेरा शक और भी गहरा हो गया। खबरदार, अब एक एक के पात्रों का प्रेजेंट करा रहा हूं। नीना प्रकाश जो इस गेस्ट हाउस की मालकिन, वो है मृगांका मिश्रा। आइए, एक किनार खड़ी होती है श्रीमती लीला दास, जिनका मर्डर होता है वो है श्रीमती अनीता अग्रवाल। टीवी में जो न्यूज पढ़ रही थी वो है नीलम गुप्ता। एक छोटी सी भूमिका में आए थे बेकरी वाला के रूप में मिस्टर भूप खन्ना, और इस घर का इकलौता नौकर जो देखने में भी बड़ा भयानक लगता था लक्खू, चेतन सिंह। प्रेम प्रकाश जो इस गेस्ट हाउस के मालिकों में थे, आकाश चौहान, और पेंटर रवि वर्मा के रूप में आकाश तिवारी। मेजर की भूमिका में थे मिस्टर अरुण टंडन। और आपको जो बीच बीच में थोड़े से गुदगुदा रहे थे रज्जब अली बेग की भूमिका में, वो है महेश दुबे। और छायांकन कर रहे थे इस नाटक में प्रफुल्ल मेहरोत्रा। और जो प्रारंभ में जिस महिला का, रुक्मणी देवी का कत्ल हुआ था वो थी शुभा। और जो कातिल के रूप में गुमनाम व्यक्ति थे वो थे विजय भान सिंह। ये रहेगा कि उनका मिलता है। और इसमें ध्वनि में और आपके संगीत के में जुड़े हुए थे आलोक दीक्षित और विक्रम उप्पल। टेक्निकल सपोर्ट जो दिया था आलोक अरोड़ा ने, रूप सज्जा की थी आशीष मिश्रा ने,
सारी व्यवस्था जो पूर्ण थी प्रॉपर्टीज की प्रशांत राजपूत और इस नाटक में जो असली कातिल था जिसे आप शायद टेस्ट ना कर पाए हो वो थे मिस्टर आदित्य उपल इंस्पेक्टर सर आदित्य। और इसके साथ हमारे जो प्रकाश व्यवस्था आप देख रहे थे जिन्होंने ध्वनि और प्रकाश किया, इस हाल की एक खासियत है कि चाहे जितने भी प्रयास किया जाए आवाज पहुंचाने के भरसक प्रयास किए जाएं अंत तक पहुंच नहीं पाती, फिर भी इस नाटक में जो प्रयास किया है वो हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ साउंड एंड लाइट के जनक या ज्ञाता मिस्टर पीर गुलाम सिंह। इस सेट की परिकल्पना की थी नौशाद सेन ने, जिसके निर्माण में सहयोग दिया हमारे कृष्णा सक्सेना ने, और पृष्ठभूमि में बाकी व्यवस्था में थे श्री विशंबर बाजपेयी